खास करके मैं आई वांट टू थैंक लियो एंड हिज टीम कि उन्होंने आज का ये समर मुदिता फ्ली मार्केट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। मैंने कुछ साल पहले क्लियो के साथ हम लोग ने एक प्रोग्राम किया था फ्ली मार्केट का, आई थिंक सो उस प्रोग्राम को भी अच्छी तरह से रिस्पांस मिला था। और आज एक वुमेंस क्लब वो चला रही है और 200 से ज़्यादा वुमेंस वो क्लब के मेंबर्स है और एक लोकल बिजनेस या लोकल लोगों को सपोर्ट करने का काम क्लियो के माध्यम से हो रहा है। मेरे ख्याल से आज का जो यहाँ का मार्केट लगा हुआ है, इस मार्केट से मैं दो ही चीज़ कहना चाहता हूँ, वन इज़ अ लर्निंग एंड सेकेंड थिंग इज़ अ अर्निंग। तो मेरे ख्याल से आज जितने भी स्टॉल ओनर्स है उन्होंने अपना बिजनेस लर्न भी करना चाहिए, दूसरा बिजनेस कैसा करता है, और अर्न भी करना चाहिए। अगर ये दोनों अगर साथ में वो करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बिजनेसमैन जैसे टाटा बिरला और ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट लेके आज दुनिया में नाम किया है, जैसे मैकडोनल्ड है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसी तरह ये अगर लर्निंग और अर्निंग ये दोनों पे ध्यान देंगे तो क्लियो के माध्यम से ये बिजनेसमैन भी आज हमें इस दुनिया में इंडिया में इनका नाम आगे आने के लिए मदद होगी। इसी तरह का लोकल मार्केट हर वक्त जनरेट होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये समर में किया है, विंटर में भी करो, रेनी सीजन में भी करो, और हमारे जो फेस्टिवल्स रहते हैं हिंदू फेस्टिवल है, क्रिश्चियन फेस्टिवल्स है, तो वो टाइम भी इसी तरह का प्रोडक्ट अगर हम लोग मार्केट में लाएंगे तो उनको सपोर्ट मिलेगा और लोकल बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम आज इनके माध्यम से हो रहा है। मैं इनको खास करके धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। बेसिकली शी इज़ फ्रॉम माय वार्ड आईसी कॉलोनी, सो मैं डेफिनेटली इस तरह का प्रोडक्ट को मैं सपोर्ट करता हूँ, एंड इन फ्यूचर इफ़ शी वॉन्ट एनी सपोर्ट आई एम ऑलवेज देयर फॉर। मैं पहले तो क्लियो को थैंक्स कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हम लोगों को इनवाइट किया, और सभी यहाँ पे जो वुमन्स है उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगी कि इतना सपोर्ट लेके इसका क्लियो का और आगे आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। राइट नाउ इट फील्स रियली रियली हैप्पी दैट द होल मंथ, एक महीना का जो हार्डवर्क हमने किया है, इट्स रियली रियली फील्स ग्रेट कि इतना टर्न आउट ओवर द लास्ट टू डेज, फैमिलीज कमिंग टुगेदर विद देयर चिल्ड्रेन, हस्बैंड्स एंड एंजॉयिंग द होल डे विद अस, शॉपिंग, प्लेइंग गेम्स, ईटिंग ग्रेट फूड और एक्टिविटीज करते हुए बहुत ही खुश लग रहा है आज कि आफ्टर a lot of hard work, two days really really very successful for us and all the people, exhibitors and jitna log bhi join kiya hai, really really enjoyed today. Kuch kehne ke liye aapko exhibitors ko pehle poochna padega, because I think they have really also very yes, happy. Yes, that's what they are very happy and I think it's a grand success. Subah se leke jo kal se hum logon ka tha motto, which to get the community, everybody together, bache yahan pe bahut sare the, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुए, लाइव जुब्बा सेशंस भी हुए, सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सक्सेस एंड आई थिंक वी हैव ऑलवेज डन इवेंट व्हिच इज़ ऑलवेज अ ग्रेट सक्सेस। काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड थी जो बाकी सारे एग्जीबिशंस में देखने नहीं मिलती, तो ये सारी आइडियाज़ कहाँ से आई थी? सो एक्चुअली ये सारी आइडियाज़ जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं बच्चे यूजली बोर हो जाते हैं, तो हम लोगों ने उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ रखे ताकि बच्चे भी बिजी रहें, पेरेंट्स भी शॉपिंग आराम से कर सके, प्लस जैसे हम लोगों ने मेंशन किया कि ये फैमिली इवेंट है और यू नो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ अडल्ट आके शॉपिंग करें, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। गेम्स थे, एक्टिविटीज़ थे, पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग, बहुत सारे सैंड यू नो सैंड आर्ट था, वायर आर्ट था, कितना सारा एक्टिविटीज़ था जहाँ पे बच्चे बहुत इनग्रॉस थे, वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं कर रहे थे। यस देवर यू नो देवर देवर जुम्बा, तो अडल्ट भी इंजॉय कर रहे थे वो एक्टिविटी को, तो इसके वजह से वो काफ़ी इवेंट से डिफरेंट थे। हाई, आई एम अलीशा, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हे बेला। सो आई सेल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सच एज बॉडी क्रीम्स, शावर जेल्स एंड ऑल्सो बॉडी स्क्रब्स। सो टुडेज एक्सपीरियंस वॉज अ वेरी प्लेजेंट वन, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ न्यू कस्टमर्स एंड ऑल, आई हैव gotten a lot of contacts, network with many other exhibitors, and overall it has been a very fun and pleasant experience. Mera naam Niharika hai aur I am from the Sweet Lounge. Maine abhi naya bakery ka business shuru kiya hai ghar se, aur ye exhibition mere liye bahut kaam ka raha hai kyunki mujhe exposure mila hai bahut zyada aur clients bhi bane hain thode bahut. To main cakes, brownies, pastries aur mousses banati hu. Ye mango mousse,
स्ट्रॉबेरी बूस्ट जैसे चीज़ें, ब्राउनीज है, केक्स है, वो सारे बनाती हूँ घर से। ये आप खुद ही बनाती हैं? हाँ, मैं खुद ही बनाती हूँ। मतलब ये सब अभी घर से ही काम कर रही हूँ मैं, अभी नया नया चालू किया है मैंने, तो इसलिए थोड़ा एक्सपांड करना है मुझे इस चीज़ में। क्या रेंज से स्टार्ट किया है? ब्राउनीज है 80 रुपीज़ पर पीस से चालू होता है ब्राउनीज। अगर आपसे किसी को कोई चीज़ चाहिए तो कैसे आप? इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, ऑर्डर लेते हैं हम ऑनलाइन। इंस्टाग्राम हैंडल द स्वीट लाउंज करके है, वहाँ पर आप फॉलो करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू। My name is मधु अग्रवाल, my brand name is घरोंदा, और हम लोग मलाड से ऑपरेट करते हैं। हमारे पास घर की सारी एसेंशियल चीज़ें हैं, बेडशीट्स, दोहर, कर्टन्स, टॉवल्स, डोरमैट्स, एवरीथिंग, जिससे आपका घर बहुत सुंदर बन सकता है। और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत वाइब्रेंट था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो हाय, वी आई एम अदिति पसारी, ओनर ऑफ देशना ज्वेल्स। सो हम लोग रियल डायमंड, गोल्ड, जड़ाऊ, सिल्वर, एवरी ज्वेलरी वी बेसिकली आर डीलिंग इनटू। वी डील इनटू लूज डायमंड्स एंड कलर स्टोन्स एज वेल। सो मुदिता वी नो बिकॉज ऑफ क्लियोना, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू हर, बिकॉज उन्होंने जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है IWBC के थ्रू एंड फॉर द मुदिता थिंग, द रिस्पॉन्स वॉज रियली अमेजिंग। मतलब सुबह से वी डिड नॉट सिट, टू बी वेरी ट्रू। एंड द ज्वेलरी, सो बेसिकली वी हैव द ज्वेलरी रेंज विच इज़ गिफ्टिंग आइटम्स एज ऑफ नाउ फॉर द ज्वेलरी मुदिता थिंग, एंड दे आर चार्म्स विच आर स्टार्टिंग एट 11,000-12,000 रुपीज़। वी हैव रिंग्स, सो द रिंग्स आर स्टार्टिंग एट द रेंज अगेन 10,000, विच आर लाइक 1 ग्राम, 2 ग्राम्स। एंड सिमिलर वी हैव इज द इटालियन चेन्स, लाइक द वेट ऑफ देम इज़ ऑल्सो अगेन 5 ग्राम्स, 6 ग्राम्स एंड ऑल दोज। सो बेसिकली गिफ्टिंग आइटम्स बहुत अच्छा है, अगेन डेली यूज़ के लिए भी इट इज़ रियली वेरी नाइस।